ठीक है, तो एक एटम में, एटम बहुत बड़ा है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत दूर है, न्यूक्लियस बहुत छोटा सा होता है, 10^5 टाइम्स छोटा है न्यूक्लियस एटम से। तो बहुत छोटे से वॉल्यूम में हम लोग का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो मूव नहीं करता है और इलेक्ट्रॉन मूव करता है। डन। सभी नोट कर लिया? ओके नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन का बात करो। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? मास और चार्ज। मास क्या होता है? एनीवन? Please show the previous slide, can you? ओके, ओके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 9.1 into 10^-31 kg। सोचो कितना छोटा सा है। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है -1.6 into 10^-19 कूलम। इसी को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोटॉन का बात करें तो इसका मास होता है 1.67 into 10^-27 kg। इसका चार्ज कितना होता है? प्लस में हो जाएगा बस। हाँ, यहाँ पर ये जो होता है एग्जैक्टली, हम लोग 1.67 याद कर लेंगे, एग्जैक्ट होता है 1.6726। वो मैं बताता हूँ क्यों इतना एक्यूरेट लिखा हूँ। चार्ज हो जाएगा जस्ट पॉजिटिव में जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, इसको हम लोग प्लस ही रिप्रेजेंट करेंगे। जब न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होता है, 1.6749 into 10^-27 kg। और चार्ज क्या होता है इस पे? न्यूट्रल। न्यूट्रल जीरो न्यूट्रल। तो देखो मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो थोड़ा ज्यादा है, बिल्कुल थोड़ा सा ज्यादा है किससे? प्रोटॉन से। और इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो 10^4 टाइम्स कम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं इन कॉम्पेरिजन विथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जिनका हो गया वो लोग क्वेश्चन ट्राई करो। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम चार्ज? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम चार्ज? ठीक है, प्रश्न सही है, सॉल्व सर 6.25 into 10^18। कर लो एक बार। सही है,
Can you repeat the question? How many electrons are there in one coulomb charge? सही है अमृत, सही आदित्य, सही है सबका, सही है अभी तक। ओके, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वन कूलम? तो हमें पता है कि वन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, तो एक कूलम कितने का होगा? 1 अपॉन, सही है रोशन, रोशन बस वहां पर 6.25 आएगा, माइनस 19 कितने इलेक्ट्रॉन का? यस सर, तो इतने इलेक्ट्रॉन। हाँ शिवांग, सही है, 6.25 into 10 to the power 18, 10 to the, हाँ, तो ये क्या बन जाएगा? इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 to the power 19 upon 1.6, इसको लिख दो 10 into 10 to the power 18 upon 1.6, that is 6.25 into 10 to the power 18 electrons. Then? Yes, sir. Next, लिखो conservation of charge. Conservation of charge, conservation of mass क्या होता है? Mass cannot be created nor be destroyed during chemical reaction. हाँ, तो वैसे ही same. Charge can neither be created. Nor be destroyed. Charge को ना ही हम create कर सकते हैं, ना ही हम लोग destroy कर सकते हैं, बस हम लोग एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। It can be sent from one place to another. It can be sent from one location to another. फाइन, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है सर, कैन यू प्लीज टेल अस हु स्टेटेड दिस लॉ, बिकॉज़ ऑफ मास एज इट वाज स्टेटेड बाय एंटोनी लेवोइज़, विल कैन यू प्लीज टेल अस हु स्टेटेड दिस लॉ, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। I don't remember the name of the scientist. उसके बाद से तुमको कहीं यूज नहीं आ रहा है conservation of charge किसने? In fact, conservation of mass किसने दिया? ये भी तुम अगर जान रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कब नहीं जान रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न जैसे मान लो ना, तुम अगर बोल दो ऐसा, मतलब लास्ट लाइन मैंने इसलिए ऐड किया कि मान लो तुमने बोल दिया कि इस पर 5 कूलम्ब चार्ज था और मैंने यहाँ से 5 कूलम चार्ज ला के दे दिया इसको, तो अब तुम बोलोगे कि इस पे 10 कूलम चार्ज हो गया, इसका चार्ज बढ़ गया। तो इसलिए मैंने स्टेटमेंट लास्ट में ऐड किया कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं इसको बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस। और वायर में भी तो चार्ज फ्लो करता है ना? यस सर। ओके, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये दिया है। Okay, fine. ठीक है, next. अब जो charge can neither be created nor be destroyed. Similarly, अगर मैं इसका application देखूं, ऐसे मान लो एक wire है, ये दूसरा ये wire गया और यहाँ से एक third wire आया,
कलर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बस ऐसे ही है। यहां से मान लो मैंने 5 कूलम्ब चार्ज भेजा था, इसमें अगर 1 कूलम्ब गया तो इसमें कितना गया होगा? 4 कूलम्ब, कि जितना चार्ज आया होगा उतना चार्ज गया होगा। अगर इफ देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज, इफ देयर इज नो एक्यूमुलेशन, कहीं पे जमा नहीं हो रहा है चार्ज, तो जितना चार्ज आएगा, ओके विनय जस्ट अ मिनट, इफ देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज, विनय ये क्वेश्चन लास्ट में डिस्कस करूं क्या? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ओके फाइन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड कंडक्टर एंड इंसुलेटर, किसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, किसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं? Substance which allow current to pass through them are termed as conductors, and the substance which do not allow current pass through them are termed as insulators. ठीक है। Very high resistance. यार तुम 4 movie देखे हो? 3 idiots. Yes sir. बिल्कुल उसके तरह रट्टा मार के बैठे हो conductor और insulator का definition. अरे सर वो याद होगी, सरल सी तो है। सरल सी तो है, ओके। कंडक्टर इज बेसिकली सब्सटेंस विच अलाउ फ्लो ऑफ करंट, सब्सटेंस विच अलाउज द फ्लो ऑफ करंट इजली, विच अलाउज द फ्लो ऑफ करंट। और इंसुलेटर क्या होगा? विच डू नॉट अलाउ। अच्छा, जब कंडक्टर का तुमसे डिफिनेशन पूछेगा तो हर बार डिफिनेशन के साथ एक एग्जांपल देंगे। एग्जांपल क्या देंगे कंडक्टर का? कॉपर, गोल्ड, आयरन, निकल, कोबाल्ट, कोई भी मेटल, सिल्वर, आयरन, निकल, कोबाल्ट, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। और सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ, तो जब भी तुमसे डिफिनेशन पूछेगा ना तो एक एग्जांपल हमेशा जरूर देना, सब्सटेंस विच do not allow the flow of current, the flow of current, इसको हम लोग insulator बोलेंगे। example, wood, paper, rubber, wood, paper, plastic, wood, paper, plastic, ठीक है, इसको हम लोग ये बोलेंगे। next is current, current क्या होता है? flow of electric current, flow of Rate of flow of electric charge. इसको हम लोग बोलते हैं करंट। तो करंट का सिंबल हम लोग आई यूज करेंगे। रेट ऑफ फ्लो मतलब कितना चार्ज मूव किया, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, दैट इज क्यू बाई टी। चार्ज का यूनिट क्या होता है? क्यू का यूनिट कूलम। टाइम कैसा यूनिट? सेकंड्स। सेकंड्स। तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होगा? कूलम पर सेकंड। कूलम पर सेकंड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर। 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 ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज कूलम पर सेकंड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर। और कौन सा अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं? ए। कैपिटल ए। सर रिप्रेजेंट आई से करते और उसका यूनिट एम्पियर है ना? हाँ, मतलब बेसिकली एम्पियर को मैं पूछा था किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके यूनिट एम्पियर को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? करंट इज आई,
और क्या मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा वायर में. लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो अब देखो, अब करंट कब मूव करेगा, कब करंट फ्लो करेगा इधर से उधर? जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा. पोटेंशियल डिफरेंस होगा. अच्छा ये बताओ, विंड कब फ्लो करता है? सर टेम्परेचर चेंजेस के कारण. टेम्परेचर चेंज के कारण क्या होता है सर? वेयर द एरिया वेयर इज हॉट, सो देयर वुड. नहीं बस बस एक टर्म में बताओ, मतलब प्रॉपर वो पूरा पूरा तो वो तुम पढ़े हो, एक टर्म में बताओ कि क्यों होता है बस. सर कोल्ड एयर हॉट एयर की जगह लेने जाता है. हां रीजन प्रेशर. प्रेशर डिफरेंस सर. ब्रीज. हाँ ब्रीज, जो ब्रीज होता है वो भी प्रेशर डिफरेंस के कारण ही होता है. प्रेशर. यस. ठीक है ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग दो. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज Q को, इन्फिनिटी जानते हो क्या होता है? यस सर. इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत बहुत दूर. अगर इन्फिनिटी से हम लोग इस चार्ज को यहाँ कहीं लेके आए. यस सर. कोई पॉइंट P पे लेके आए. अनंत से भी आगे. क्या तुम लोग डिफाइन करते हैं अनंत? अनंत. ओके यार, इतना शुद्ध हिंदी ना मुझे भी नहीं आता. सब लोग सीबीएसई गई हो ना, या कोई और बोर्ड के हो? नहीं सर, हम लोग सीबीएसई के ही हैं. ओके फाइन. आईसीएसई. ठीक है, आईसीबीएसई और आईसीएसई. ओके ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ से आने में, यहाँ से यहाँ हम लोग कुछ लाए होंगे तो मुझे उसको फोर्स लगाना पड़ा होगा. और तुम लोग क्लास नाइन्थ में पढ़ोगे वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो अगर मैं उस चार्ज को इधर लेके आया हूँ तो मैंने कुछ वर्क डन किया होगा तभी वो इधर मूव किया होगा, राइट? तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं. यस शिवम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर हम लोग डायरेक्टली इसको पोटेंशियल भी बोल देते हैं. तो है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड पता है? यस. ओके, इज डिफाइंड एज द वर्क डन, वर्क इज द वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम इनफिनिटी टू अ पॉइंट, इनफिनिटी टू वन पॉइंट, इन मूविंग a unit positive charge, charge from infinity to that point, from infinity to that point. यहाँ पर एक टर्म आया है इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोग समझ लेते हैं. नेक्स्ट टू नेक्स्ट में क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? It is a region around the charged body within which its influences can be experienced. सही है, सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कोई ऐसा इसको नहीं पता है? सर मुझे. ओके सर नहीं पता. ठीक है ओके. तो एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस लिख लो, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं थोड़ा सा. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? हर्षवर्धन नहीं, एरिया ऑक्यूपाइड बाय चार्ज नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड. Can you please?
हाँ प्रश्न आ रहे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पे. ये एक पॉइंट का पर्टिकुलर, जैसे इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे लाना, तो वो जो वर्क डन करना पड़ा मुझे पर यूनिट चार्ज, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. नेक्स्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस. यस आई यूज जस्ट 7 स्लाइड हो चुका है, नहीं 6 स्लाइड हुआ है अभी, रिकॉर्डिंग है, तुम रिकॉर्डिंग देख सकते हो. नेक्स्ट हेडिंग दो, पोटेंशियल डिफरेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मान लो दो पॉइंट है ए और बी, ए का पोटेंशियल है V1 और बी का पोटेंशियल है V2. मतलब ए पे लाने पे, इन्फिनिटी से यहाँ ए पे चार्ज लाया, तो जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज करना पड़ा वो V1 था, और इन्फिनिटी से बी पे लाया तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो था वो क्या था, V2 था. V2. और इसमें मैं बोल रहा हूँ कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज V1 है, तो ए का पोटेंशियल V1 होगा, बी का पोटेंशियल V2 होगा. तो V1 और V2 पोटेंशियल है. इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है ना, V1 माइनस V2, दैट इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी. तो अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का बात करें, तो दिस इज बेसिकली पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कर लो, बिटवीन ए एंड बी इज पोटेंशियल एट ए. पोटेंशियल को हम लोग कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी. पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम कैपिटल वी से ही रिप्रेजेंट करते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम लोग कैपिटल वी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर डेल्टा वी बोल दो. डिफरेंसेस तो डिफरेंस यहां पर भी आता है, हम लोग इसको एक टर्म दे देते हैं डेल्टा. तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को अगर वर्ड्स में लिखना चाहें तो इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल्स, रीजन अराउंड चार्ज्ड बॉडी विद इन व्हिच इट्स इन्फ्लुएंसेस कैन बी एक्सपीरियंस्ड. ये तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का बता रहे हो. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, in an electric field is defined as the amount of work, the amount of work done to move a unit charge from one point to another. Yes, the amount of work done in moving a unit charge, in moving a unit charge from one point to another, from one point to another. इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं work done upon charge per unit W upon Q. W upon Q. Work done in moving from A to B. A to B upon charge. सर इस केस में हम लोग कोई माइनस साइन या ऐसा कुछ क्यों नहीं से रिप्रेजेंट करते ऐसे, क्योंकि ये तो डिफरेंस है ना सर. हाँ तो अब अगर माइनस आया तो माइनस, मान लो V1 बड़ा हुआ V2 से तो वो मेरा पॉजिटिव होगा, और अगर V1 छोटा हुआ V2 से तो वो नेगेटिव होगा, वो अपने आप एक्सप्रेशन में आ जाएगा. सर आंसर की बात नहीं कर रहा, हम लोग जो मैथमेटिकली ये करते हैं वर्क अपॉन टाइम, उसमें हम लोग कभी कहीं सब्ट्रैक्शन वगैरह नहीं दिखाते, तो वो क्या डेरिवेशन उसका ऐसा हुआ है क्या सर कि सब्ट्रैक्शन हाँ. देखो एक्चुअली क्या होता है ना, पूरे डेरिवेशन में जाओगे एक्चुअली क्या है कि दो चार्ज पार्टिकल है तो उनके बीच में फोर्स लगता है KQ1 Q2 r2, और अगर तुम छोटा छोटा dr डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस मूव कराओ और फिर उसको वर्क डन लिखो हर छोटा छोटा टुकड़े का और सबको ऐड करो तो वो तुम्हारा वर्क डन आता है, और उसका पोटेंशियल का फॉर्मूला बनता है KQ1 Q2 r पॉजिटिव में.
मतलब डेरिवेशन में हम लोग का पॉजिटिव आता है, ठीक है? यस सर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब हम बात करना था थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? यहाँ तक नोट हो गया? यस सर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तुम लोगों को पता है दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। दो पॉजिटिव चार्ज अगर तुम लोग है, दो प्रोटॉन, तो वो एक दूसरे को रिपेल करता है। लाइक चार्जेस। हाँ, हमें क्या पता है? लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, रिपेल ईच अदर, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट ईच अदर, attract each other, और like charges repel each other, repel each other। अब ये attract या repel क्यों होता है? That is कि अगर हम लोग एक चार्ज रखें कहीं पे भी, तो ये क्या करता है, पूरे थ्री डायमेंशन में अपना एक फील्ड क्रिएट कर रखा होता है। नहीं, प्रेशर मैग्नेटिक फील्ड कहीं नहीं आया, पूरे थ्री डायमेंशन में ये अपना एक फील ऐसा क्रिएट कर रखा होता है। ये बेसिकली बता सकते हैं सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आवाज नहीं थी आपकी। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, कि जैसे लाइक चार्जेस रिपेल करता है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करता है, ठीक है? तो ये क्यों होता है? तो बेसिकली अगर मैंने एक प्लस चार्ज रखा, तो प्लस चार्ज से जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़े थे ना तुम लोग, नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाता है, याद है? Yes. वैसे ही पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। देखो सब बाहर निकल रहा है उस पॉजिटिव चार्ज से, तो ये बाहर की ओर निकल रहा होता है पॉजिटिव चार्ज से। अब जैसे ही कोई चार्ज इसके रीजन में आया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले जो अपना स्पेस है उसमें आया, मान लो पॉजिटिव चार्ज आया, रिपेल कर जाएगा। हाँ, तो पॉजिटिव चार्ज, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E है और इसका चार्ज Q है, तो इस पर जो फोर्स लगता है वो E टाइम्स ऑफ Q लगता है, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जो निगेटिव चार्ज होता है, मान लो यहाँ पर निगेटिव चार्ज रखे ऑफ मैग्नीट्यूड Q, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, तो इस पर जो फोर्स लगता है वो इधर लगता है, Q टाइम्स ऑफ E1। देखो ये दोनों जो चार्ज है प्लस और माइनस, ये दोनों क्या हुआ, अट्रैक्ट किया क्या? और जो दोनों पॉजिटिव चार्ज है वो दोनों क्या किया, रिपेल किया। Done? No, sir. Okay, note karo Ram.
then yes sir. ओके अब देखो नेगेटिव चार्ज में क्या होता है. जब मेरा नेगेटिव चार्ज हम लोग रखते हैं तो अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज रखें तो इसके कारण ये जो अपना फील्ड बनाता है ना वो ऐसा बनाता है रेडियली इनवर्ड्स. इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है वो ऐसा होता है अपनी तरफ वो खींचता है फील्ड लाइन को रेडियली इनवर्ड्स. तो अगर देखो यहाँ पर अगर तुम पॉजिटिव चार्ज रखे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो इस पर फोर्स किधर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में. तो देखो ये दोनों क्या कर रहा है अट्रैक्ट कर रहा है रिपेल कर रहा है. अट्रैक्ट करता हुआ दिख रहा है उसकी तरफ फोर्स लग रहा है. लेकिन अगर हम यहीं पर बात करें निगेटिव चार्ज का तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये दोनों देखो क्या हो रहा है रिपेल हो रहा है या अट्रैक्ट हो रहा है. रिपेल हो रहा है सॉरी रिपेल और ये दोनों अट्रैक्ट हो रहा Done. Yes. तो एक स्टेटमेंट करके लिख लो. ओके एक स्टेटमेंट करके लिख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइज फोर्स QE ऑन पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इन द direction of field and a force QE on negative charge in the direction opposite to the field in the direction opposite to the field. So basically koi bhi charge rakhoge na तो वो अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करके रखेगा. अब जैसे ही वहां पे कोई थर्ड चार्ज आया एक्स्ट्रा चार्ज आया वो उस पे फोर्स लगाएगा. सर आप वापस रिपीट कर सकते हैं. हाँ मैंने ये बोला कि जैसे ही कोई भी चार्ज है ठीक है पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो ये ऑलरेडी अपना फील्ड क्रिएट कर रखा होगा और जैसे ही इसके पास तुम दूसरा चार्ज लेके आओगे ये क्या करेगा इस फील्ड के थ्रू उसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा. ठीक है याद है किसी को कोई डाउट. नो सर. नेक्स्ट आता है हाँ अब हमें क्या पता है कि जो वो है करंट है दैट इज चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम राइट. यस सर. नेक्स्ट आता है हम लोग कहाँ पर थे. हाँ पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पे जंप कर गया था. पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होगा. वी 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 का मतलब वोल्ट वोल्ट जूल पर सेकंड पर सॉरी जूल पर कूलम. यूनिट ऑफ पोटेंशियल. पोटेंशियल इज बेसिकली वर्क डन पर यूनिट चार्ज
वर्क डन का यूनिट होता है जूल, चार्ज का यूनिट है कूलम, तो जूल पर कूलम, और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, वोल्ट्स, वोल्ट, और इसको हम लोग कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल भी यही होता है और पोटेंशियल डिफरेंस भी यही होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। वाई इज करंट अ स्केलर क्वांटिटी? हर्षवर्धन, करंट स्केलर क्वांटिटी नहीं है सर, डायरेक्शन है ना उसमें, डायरेक्शन है उसमें, पैरेलल लॉ ऑफ, सॉरी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता। ये किसने बताया वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता सर? वत्सल। हाँ वत्सल, हाँ वत्सल, ओके सही है। अभी तुम लोग को वेक्टर का एक्चुअली क्या होता है ना, जो भी चीज वेक्टर होता है वो हम उसका एक लॉ है, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो सब चीज को वो फॉलो नहीं करता है, इसलिए वो वेक्टर नहीं है। और स्केलर तो डेफिनेटली दिख रहा है कि नहीं है सर। तो वो क्या है? वो है टेंसर क्वांटिटी, वो तुमको अपने सिलेबस में पढ़ना ही नहीं है, 11 12th के सिलेबस में नहीं पढ़ना है, उसको लोग टेंसर बोलते हैं सर। 11 12th में भी नहीं आएगा ये? 11 12th में नहीं आएगा। ओके विनर, आई विल कम टू दैट। अच्छा वोल्ट मीटर हम लोग किससे मेजर, वोल्टेज हम लोग किससे मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस? द वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। और इस वोल्ट मीटर को हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में या पैरेलल में? पैरेलल, पैरेलल, क्यों? क्योंकि सर उसकी रेजिस्टेंस बहुत रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, हाई होती है, रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। ये हमने कल परसों भी देखा था लास्ट क्लास में, ये सर गैल्वेनोमीटर को वोल्टोमीटर, और हम तो हम लोग कन्वर्ट किए थे तो बहुत हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट किए थे। यस सर, हम लोग इसको हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, सो दैट क्यों हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, क्यों ना हो जाए, नहीं हो जाएगा। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल सो दैट देयर इज वेरी स्मॉल चेंज, सो दैट देयर इज वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज इन द करंट इन द सर्किट, या फिर negligible current, negligible change लिख दो, so that there is very, very negligible change. सर क्यों सर, अगर सीरीज में कनेक्ट करते तब भी सर्किट में ये नहीं होता हमारा, चेंज हो जाता, बहुत ज्यादा करंट चेंज हो जाता सर सीरीज में? हाँ चलो मैं तुमको दिखाता हूँ कैसे। सर सीरीज में तो करंट सेम रहता है ना? रुक जा, वेट वेट, आ रहा हूँ। हो गया सर लिख के। ओके तो यहाँ पर क्या होता है, वो जैसे मान लो ये मेरा सर्किट है, ठीक है, तुम्हारे पास एक वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर, इसका रेजिस्टेंस लेट्स से 100 ओम है, अज्यूम कर लिया। अगर यहाँ पर मेरे पास 100 वोल्ट का बैटरी है और ये रेसिस्टर जो है वो 1 ओम का है, या फिर लेट्स से 2 में फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 100 ओम का है, ठीक है, तो अभी सर्किट में करंट कितना होगा? 1 एम्पियर। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक वोल्ट मीटर ज्वाइन कर दिया, अब बताओ क्या हो जाएगा सर्किट में करंट?
सर 100 प्लस ये उसको फिर अपॉन वोल्ट. हां सर, तो ये हाफ एम्पीयर हो जाएगा ना. सर 0.5. हां तो करंट बहुत ज्यादा चेंज हो गया. तो हम लोग कभी भी वोल्ट मीटर को इसमें नहीं कनेक्ट करेंगे. ठीक है, हम लोग वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे. अब वो पैरेलल में चेंज नहीं होगा. जैसे मान लो ये रेसिस्टर है, लेट्स से दिस इज 1 ओम, दिस इज 100 वोल्ट, और लेट्स से मेरे पास एक वोल्ट मीटर है, इसका रेजिस्टेंस है 1000 ओम, लेट्स से, या 100 ओम ही ले लो, फर्क नहीं पड़ता, 100 ओम. अभी सर्किट में करंट कितना होगा? 100 एम्पीयर. अब मैंने इसको पैरेलल में कनेक्ट किया 1 ओम, और इसके पैरेलल में यहाँ पे वोल्टमीटर कनेक्ट किया 50 एम्पीयर. नहीं, आर इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा? सर इक्विवेलेंट विल बी 1.01 सर. 100 डिवाइड बाय 101. तो देखो करंट क्या होगा, 100 अपॉन आर इक्विवेलेंट, That is 101 ampere. तो 100 पे बस एक का चेंज हुआ था, मतलब 1% का एरर आया, और पिछले वाले में 50% का एरर आ रहा था. Yes. ठीक है, अगर तुम और ज्यादा रेजिस्टेंस कर दो वोल्टमीटर का, तो और कम एरर आएगा. ठीक है सर. ठीक है, और कैसे मेजर करता है कि करंट, सॉरी वोल्टेज, किसी को आइडिया? नो सर, आप बताएंगे? बता दो, श्योर? चलो ठीक है, देखते हैं. याद करो हम लोग कैसे क्या किए थे उस दिन. गैल्वेनोमीटर को हमने वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर दिया था ना. यस सर, इसके पैरेलल में बड़ा वो लगा दिया था हमने. पैरेलल में नहीं, सीरीज में. सीरीज में, सॉरी. यस सर. तो ऐसा मानो कि ये मेरा सर्किट था, ये 1 ओम का रेसिस्टर है, और यहाँ पे मेरा गैल्वेनो मतलब वोल्ट मीटर है. तो बेसिकली वोल्ट मीटर में क्या होगा, एक गैल्वेनोमीटर है और एक रेसिस्टेंस है, बेसिकली ये चीज है. और गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर बेसिकली क्या करता है? करंट डिटेक्शन ऑफ करंट. डिटेक्शन ऑफ करंट. ठीक है, तो ये मेरा करंट मेजर करेगा. फाइन. Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब देखो, ये था मेरा 100 ओम का, ये 1 ओम का. अब मुझे क्या करना था, अपना काम जो था वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना था. लेट्स से, ठीक है. अब हमारे पास यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा था, 101 एम्पीयर. राइट. Yes. तो इस करंट में से कुछ करंट नीचे जाएगा, कुछ करंट ऊपर जाएगा. ठीक है. Yes, sir. Okay. अब मुझे ये पता है कि मान लो नीचे करंट आई गया तो ऊपर कितना जाएगा, 101 माइनस आई. फाइन. अब मुझे क्या पता है कि पैरेलल में जो है वो पोटेंशियल ड्रॉप भी सेम होता है, आया ना? हाँ सर. ओके, तो ऊपर वाले में पोटेंशियल ड्रॉप कितने का होगा, ऊपर वाले में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट इज 100 माइनस आई इंटू 100 का, और नीचे वाले में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो आई इंटू 1 का, आई आर का पोटेंशियल ड्रॉप होता है. ठीक है. यस सर. आज क्या आ जाएगा, 100000 इक्वल टू 101 आई, और आई इक्वल टू 100 अपॉन 101. तो नीचे वाले में से इतना करंट गया 100 अपॉन सॉरी नीचे वाले में कितना करंट जाएगा, 100000 अपॉन 101. इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, 100000 अपॉन 101,
नीचे वाले में से 99.00 करंट जा रहा है, तो ऊपर वाले में से कितना करंट जा रहा होगा? 2 एम्पियर? नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुआ यार। 100 100 -100 I = 101 I। अच्छा यहाँ पर गड़बड़ हुआ, 101 -I × 100 = 1। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक सब समझ में आ रहा या नहीं? यहाँ भी नहीं, चल ये वाला सब नहीं समझ में। ओके, ऊपर वाला समझ में आया कि इसमें आई जाएगा तो उसमें 100 - I जाएगा, 101 - I जाएगा। यस सर, यस सर, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब मैं बोलूंगा कि ये वाला जो 1 ओम का रेजिस्टर है और ये जो 100 ओम का रेजिस्टर है, क्या ये दोनों पैरेलल में है? यस सर, यस सर, यस। और मुझे क्या पता है पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? जीरो। सेम होता है, चेंज होता है, सेम होता है। और पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला क्या है? I × R। यस सर। तो 1 वाले में जो करंट है वो I फ्लो कर रहा है और उससे से R, तो 1 वाले में पोटेंशियल ड्रॉप I × 1 का होगा। और ऊपर वाले में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा? करंट है 101 - I और रेजिस्टर है 100 का, इतने का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। कोई दिक्कत? नो सर। तो यहाँ बनेगा I = 101 - 100 I, तो 101 I = 101 00। I = 100 ampere। तो नीचे वाले में कितना करंट गया? 100 ampere। और ऊपर वाले में कितना करंट गया? 1 ampere। 1 ampere। हाँ, अब 1 ampere करंट गया, फाइन। इसका मतलब है ये यहाँ से 100 and हाँ सर, ये स्टार्टिंग में 101 ampere आपने लिया क्या? हाँ हाँ, वो हमने कैलकुलेशन किया था ना। अच्छा, यस सर। ठीक है, अब देखो गैल्वेनोमीटर वाला जो डिवाइस है उससे 1 ampere करंट फ्लो कर रहा है, तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? 1 ampere की जितना डिफ्लेक्ट कर जाएगा। यस सर, यस सर, राइट। अब उस डिफ्लेक्शन को हम लोग क्या करते हैं? स्केल कर देते हैं, कैलिब्रेट कर देते हैं, कैलिब्रेट कर देते हैं कि अगर मेरा इतना डिफ्लेक्शन हो रहा है गैल्वेनोमीटर में तो मेरा जो रीडिंग है वो ये दिखाओ, तो उस रीडिंग से हम लोग वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, और फिर हम लोग को करंट के थ्रू वोल्टेज का वैल्यू मिल जाता है वोल्ट मीटर में। समझ में आया? करंट ही मिल रहा है गैल्वेनोमीटर का, वोल्टेज नहीं मिल रहा है, और उसको हम लोग स्विच कर दे रहे हैं वोल्टेज में। जैसे कि तुम्हारा वेइंग मशीन, वेइंग मशीन क्या बताता है? तुम्हारा मास बताता है, तुम्हारा वेट बताता है? सर वेट बताता है, सर वेट बताता है, वेट बताता है। तो उसका जो वो पॉइंटर है, मान लो तुम्हारा वेट अगर 65 kg है तो उसका पॉइंटर 650 दिखाता है या 65 दिखाता है? तो वहां पर भी वो क्या कर देता है? उसको कैलिब्रेट कर देता है कि अगर 650 आए रीडिंग तो उसको क्या दिखाओ, तुम 65 दिखाओ। वैसे ही हम लोग गैल्वेनोमीटर क्या करते हैं कि अगर 1 ampere रीडिंग आ रहा है तो तुम क्या करो, इतना पोटेंशियल डिफरेंस दिखा दो, तो वो इतना पोटेंशियल डिफरेंस दिखा देता है। समझ में आया? अभी तक किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में? नो सर। आगे चले? यस सर, यस सर, यस सर। क्वेश्चन, एक वायर है इसमें, इसमें इस तरफ से 10 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां हमने भेजा 2 सेकेंड में, तो बताना है फाइंड द एवरेज चार्ज, फाइंड द एवरेज करंट इन द वायर, फाइंड द एवरेज करंट
इन द वायर इस साइड से उस साइड भेजा 10 इलेक्ट्रॉन 2 सेकंड में सर 5 एम्पीयर नहीं8 × 10⁻¹⁸ एट ओके जस्ट अ मिनट हाँ 1.6 16/2 सही है अमित अमृत सर कैसा आया सोचो एक बार थोड़ा सा इजी है डिफिकल्ट नहीं है करंट का फॉर्मूला लाओ करंट क्या होता है चार्ज अपॉन टाइम चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम सर क्यू बाय टी चार्ज फ्लो सही है शिवांग शिवांग एक 10⁻¹ का देखो एक थोड़ा सा तो चार्ज फ्लो कितना किया 10 इलेक्ट्रॉन मतलब इतना चार्ज फ्लो किया और टाइम कितना लगा 2 सेकंड तो ये क्या आ जाएगा 16/2 अच्छा शिवांग तुम्हारा सही है 16/2 दैट इज 8 × 10⁻¹⁹ एंपियर यस सर आई एम आल्सो गेटिंग दिस ओनली यस सर ओके ओके अमृत 10⁻¹ वाला देख लेना एक बार ठीक है यस सर 10⁻¹⁹ है हाँ ठीक है ओके ठीक है तो जल्दी जल्दी में ये मत कर देना कि इलेक्ट्रॉन को कूलम्ब से समझ लेना और बस 10^2 5 आंसर लिख के आ गए ऐसा काम मत करना कोई दिक्कत यहाँ तक यस सर नो सर ठीक है अब देखो एमीटर नेक्स्ट डिवाइस एमीटर क्या होता है सर डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट तो एमीटर ये भी हम लोग किससे बनाते हैं गैल्वेनोमीटर से गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाते हैं सर रेजिस्टेंस कम करके नहीं एक स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं सर उसके पैरेलल में हाँ डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट और कैसे करते हैं तो गैल्वेनोमीटर है उसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस करते हैं संट संट रेजिस्टेंस ठीक है और ये जो पूरा सेटअप है ये पूरा सेटअप होता है मेरा एमीटर एमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है या हाई होता है लो होता है रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज लेस रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज लेस सीरीज में या पैरेलल में सीरीज तो वेरी लो क्यों हम लोग सीरीज में क्यों करते हैं पैरेलल में क्यों नहीं कर सकते हैं सर क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो सारा जो करंट है वो उसी ब्रांच से जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत कम है उसकी तो दूसरे वाले इन पैरेलल करंट इज नॉट कांस्टेंट और कुछ रेजिस्टेंस इज लो और कुछ सर वो सीरीज तो करंट का डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा नहीं इट कैनॉट एक्यूरेट प्रॉपर मेजर अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट ओके वेट 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 ये रेसिस्टर है ये रेसिस्टर है ये रेसिस्टर है ये रेसिस्टर है अब मुझे मेजर करना था कि ये वाला जो रेसिस्टर है ना इससे कितना करंट पास करे ये ब्लैक वाला तो अगर मैं
एमीटर को यहां लगा दूं तो क्या ये इसका करंट देगा क्या, ब्लैक वाले का? नो सर नहीं देगा, तो सिंपल सा लॉजिक है। नो सर सही से टोटल का देगा। नहीं टोटल का भी नहीं देगा, विल नॉट गिव। ये इसका करंट दे, मतलब ये किसी का करंट नहीं देगा बेसिकली। सर आप एक बार क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं सर? आपको क्वेश्चन ये था, मेरा क्वेश्चन था कि मेरा कि हम एमीटर को सीरीज में, मतलब एमीटर हम लोग सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं। तो अब जैसे मान लो तुमको ब्लैक वाला जो रेसिस्टर है उसके थ्रू करंट मेजर करना था, तो मैंने पैरेलल में लगा दिया यहाँ पे। तो एमीटर क्या, इसमें करंट मान लो I1 जा रहा था, इसमें I2 जा रहा था, तो एमीटर I2 रीड करेगा या I1 रीड करेगा? सर नहीं रीड करेगा, I2 रीड करेगा। लेकिन हमें रीड क्या करवाना था? I1। फायदा है क्या एमीटर को पैरेलल में लगाने का? नो no. और क्योंकि हमने इसको सीरीज में लगाया है इसलिए हमें इसका रेजिस्टेंस क्या करना था, कम करना था। और कम करना था इसलिए हमने क्या किया था, शंट रेजिस्टेंस लगाया था पैरेलल में। तो चीजें उल्टी चल रही हैं कि मुझे एमीटर को सीरीज में लगाना था इसलिए मैंने उसका रेजिस्टेंस कम किया, इसलिए मैंने उसको शंट रेजिस्टेंस लगाया था पैरेलल में। Then? Yes, sir. How do we make a galvanometer? हाँ प्रशुन, बहुत मस्त डाउट है, बहुत मस्त है यार। How do, अब galvanometer से तो हमने ammeter voltmeter बता दिया, अब galvanometer कैसे बनाएंगे? तो galvanometer में मतलब मैं पूरा details में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, पूरा details में नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा चीज ऊपर से बता रहा हूँ। क्या सर, मैं ट्राई करूँ? हाँ बताओ। सर गैल्वेनोमीटर को अगर हमें इसमें कनेक्ट करना है इनटू अ सर सॉरी वोल्टोमीटर को अगर गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट, नहीं 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 क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर को कैसे बनाना है। बनाना है, ओके सर। हाँ गैल्वेनोमीटर को कैसे बनाना है, चलो ठीक है, मैं तुमको एक एग्जांपल के थ्रू उसको समझाता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे घर पे तुम किसी को, तुमने तुम्हारी मॉम ने तुमको बाहर भेजा, बोला एक केजी कुछ भी ले आओ, लेट्स से एक केजी आलू ले आओ। तुम गए एक केजी आलू ले आए, वो आलू तुमको किस चीज में देगा, कोई पॉली बैग में? यस सर। तुम सीधा उठा के उस पॉली बैग को ले आओगे घर पे, या फिर उस पॉली बैग को ऐसे नीचे से घुमाते घुमाते लेके आओगे, क्या करोगे? घुमाते घुमाते लाओगे, ऐसा आदत है अपने। यस सर। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये पॉली बैग है मान लो, ऐसा जो भी है, तुमने इसको ऐसे घुमाया, अब घुमा के छोड़ दोगे तो क्या होगा सर? टाइम क्या सो नहीं घुमा के अंदर का सामान खराब हो जाएगा? नहीं नहीं उतना डिटेल्स नहीं जाना है, मतलब थोड़ा सा घुमाए तो क्या होगा, फिर वापस वो अपने पोजीशन पे आने का कोशिश करेगा ना, वापस उल्टा घूमेगा। यस सर। ये सबने देखा, ऑसिलेटरी मोशंस होंगे। हां ऑसिलेटरी मोशन होगा, आगे घूमेगा फिर पीछे घूमेगा एंड सो ऑन, ये सबने देखा। यस सर। यस सर। इन अ पेंडुलम। हां तो उसी टाइप का हमारे पास एक स्प्रिंग होता है कि अगर हम लोग ऐसा सिस्टम करें कि उसको अगर थोड़ा सा घुमाए तो वापस घूम जाएगा इधर, एक सिस्टम होता है वैसा। अब हमने क्या करते हैं, तुम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया मिल सकता है। यहाँ पे एक हम लोग बार मैग्नेट रखते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये गैल्वेनोमीटर नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा यहाँ से, ऐसा
और यहाँ से इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यस यस सर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और यहाँ पर हम लोग एक ऐसा इस टाइप का क्वाइल रखते हैं जो भी पन्नी वाला जो एक्सपेरिमेंट था ना उसी टाइप का हम लोग ये एक स्प्रिंग रखते हैं वो घूमने नहीं देता है और यहाँ से नहीं देता है हाँ मतलब बेसिकली वो वापस अपने पोजीशन पे लाने का कोशिश करता है ऐसा जैसे पन्नी अपने वापस अपने पोजीशन पे आ रहा है ना yes, तो ये स्प्रिंग अपने वापस अपने पोजीशन पे लाने का कोशिश करता है ठीक सर इन शॉर्ट वो फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इस पे वो होने नहीं देता गैल्वेनोमीटर पे उसके कारण वो उड़ने नहीं देता एक मिनट यहाँ पर हमारे पास एक स्केल होता है और इस पर रीडिंग होता है 0 एम्पियर 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है ऐसा रीडिंग है मेरा स्केल है yes, sir. और यहाँ पर हम लोग एक वायर का लूप रखते हैं ठीक है अब इस वायर की लूप पे जब इस वायर के थ्रू हम लोग करंट पास कराएंगे तो क्या होगा उस करंट है मैग्नेटिक फील्ड है तो उस वायर पे फोर्स लगता है पता है yes, तो इस वायर पे फोर्स लगता है और फिर टॉर्क भी लगता है टॉर्क पड़े हो क्या नहीं सर क्या नो सर नहीं ओके देखो वो वाला जो था ना अपना इलेक्ट्रिक मोटर वाला Yes, उसमें क्या हुआ था इस पर ऊपर की ओर फोर्स लगा था इधर वाले पे अंदर की ओर फोर्स लगा था और ये घूम गया था yes, तो इसी तरह से यहाँ पे भी इस क्वाइल पे क्या होता है एक साइड पे ऊपर फोर्स लगता है एक साइड पे नीचे फोर्स लगता है और ये घूम जाता है ऐसा तो जैसे ये घूमा ये जो नीडल है ये भी घूम जाता है ठीक है तो करंट के कारण क्या हुआ मेरा क्वाइल घूमा क्वाइल के कारण क्या हुआ नीडल घूमा समझ आया yes, अच्छा अब एक जगह पर आता है जब जब जितना ये घुमाने की कोशिश कर रहा है ना करंट ये करंट घुमाने की कोशिश कर रहा है और स्प्रिंग इसको वापस अपने पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा तो एक ऐसा टाइम आएगा जब स्प्रिंग के कारण जो घुमाने का प्रोसेस है और करंट के कारण जो है वो दोनों इक्वल हो जाएगा उस टाइम पे जो रीडिंग होता है ये मेरा एमीटर का रीडिंग होता है इस टाइप का कंस्ट्रक्शन होता है मेरा गैल्वेनोमीटर का जो चीज तुमको एकदम सिंपल सा दिख रहा है वो एक्चुअल में सिंपल सा नहीं है सर आप एक बार लास्ट वाला बताएंगे कैसे ये रीडिंग कैलकुलेट करते हैं हां अब अभी क्या हो रहा है कि करंट जो है वो मान लो इसको इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है ये ब्लैक वाला ठीक है अब जैसे ही ये इधर घुमाएगा स्प्रिंग क्या करेगा इसको ड्यू टू करंट स्प्रिंग क्या करेगा इसको उल्टा घुमाने का कोशिश करेगा तो स्प्रिंग इसको इधर घुमाने का कोशिश करेगा स्प्रिंग तो एक टाइम आएगा जब मान लो जहां पर इक्विलिब्रियम रीच होगा मतलब करंट जितना घुमाने का कोशिश कर रहा है और स्प्रिंग जितना घुमाने का कोशिश कर रहा है स्प्रिंग वो दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा तो उस पॉइंट पे मेरा निडल जाके निडल घूम रहा होगा उस पॉइंट में मान लो मेरा निडल जाके यहाँ पे रुक गया तो ये जो स्केल रीडिंग है दैट इज रीडिंग ऑफ उतना करंट है हमारे पास ओके सर अंडरस्टूड यार कहाँ से कहाँ पहुंच गए हम लोग कहाँ पर थे एमीटर पे था तो अब ये जो अपना ये गैल्वेनोमीटर है गैल्वेनोमीटर को हमने एमीटर में कन्वर्ट करना देख लिया गैल्वेनोमीटर को हमने वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना देख लिया राइट यस सर ओके नेक्स्ट अब हम लोग करंट एक चीज ये बताओ नेक्स्ट हेडिंग दो किरचॉफ करंट लॉ किरचॉफ
करंट लॉ, इसी को हम लोग KCL भी बोलते हैं, इसी को हम लोग किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। और ये जो है इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इस पे बेस्ड है। अब ये क्या बोलता है, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है कि एट एनी जंक्शन, जंक्शन क्या होता है, स्टेशन पर एवरीथिंग मीट्स। कार्तिकेय ये नहीं पढ़ना तुमको, बट तुम इसका एप्लीकेशन कर चुके हो, तुम्हारे एनसीईआरटी में इसका एप्लीकेशन किया है, बस तुमको नाम नहीं बताया, मैं नाम भी तुमको बता दिया। एट एनी जंक्शन समेशन ऑफ करंट, समेशन मतलब एडिशन ऑफ करंट इज जीरो। जंक्शन क्या होता है, जंक्शन कोई भी ऐसा पॉइंट, जैसे ये वायर है, यहां से मैं एक वायर लाके यहां ज्वाइन कर दिया, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं जंक्शन। तो इसका स्टेटमेंट है कि मान लो अब एक ज्वाइन किया तो भी जंक्शन है, दो ज्वाइन किया, पांच ज्वाइन किया, दस ज्वाइन किया, जितना भी ज्वाइन किया दैट इज जंक्शन। तो मान लो एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो इसने बोला कि मान लो यहां से करंट आई वन आ रहा है, यहां से आई टू आ रहा है, यहाँ से I3 आ रहा है, यहाँ से I4 आ रहा है, डायरेक्शन हो सकता है कि अपोजिट हो, I5 आ रहा है, तो इसने बोला I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 शुड बी इक्वल टू जीरो। इसका एप्लीकेशन कियो? नहीं सर। नो सर। सियोर कियो, मुझे पता है। ये देखो ये वाला जो तुम केस किए हो, चलो ये आप दूसरे स्लाइड में दिखाता हूँ, ये नोट कर लो फिर दूसरे स्लाइड में दिखाता हूँ। सर कर लिया नोट। हो गया? नोट हो गया सर। ओके ये सर हो गया। ठीक है, इसको अगर इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो कि जैसे मान लो ये वायर है, 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 अगर यहाँ से आई वन आया, यहाँ से I2 आया, यहाँ से I3 आया, यहाँ से I4 गया, यहाँ से I5 गया, तो जितना करंट आया उतना करंट गया। इसका एप्लीकेशन किया हो? नहीं सर। नहीं सर। सही में सर, कौन से टॉपिक में सर नहीं किया सर? पैरेलल सीरीज वाला। पैरेलल वाले में किया हो ना ये? हाँ सर। ये ऐसा किया हो ना, ऐसा नहीं किया कि एक रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर है, तो तुमने माना कि अगर इसमें करंट आई जा रहा है, इसमें आई वन जा रहा है, इसमें आई टू जा रहा है, तो ऐसा नहीं बोला कि आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, बोलो कि नहीं बोलो? यस सर, ये रेजिस्टर्स इन पैरेलल के प्रूफ में डेरिवेशन में किया था। तो ये जंक्शन है ग्रीन डॉट। यस सर। जंक्शन पे तुमने बोला कि जितना करंट आया उतना करंट गया, तो ये क्या है? Yes, sir, something. Yes, sir. ठीक है। आगे चले? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया मेरा किरचॉफ करंट लॉ। ये नेक्स्ट इज अपना बैटरी और रेसिस्टर। ठीक है, एक काम करते हैं, अभी अगर किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है, एक डाउट किसी ने मुझे भेजा था, और किसी को कोई डाउट है, हम लोग ये चैप्टर यहीं पे रोकते हैं, जो डाउट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो एक डाउट था किसी का, वो मैं सबको शेयर करता हूँ। विनय हो गया मीटिंग में? विनय है ही नहीं मीटिंग में। विनय 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 नहीं नहीं है। एक मिनट,
कार्तिकेय क्या बोल रहे हो? आई जिसका जो भी डाउट है वो भेज दे। अच्छा आई केम विद नेम ओके। हाँ प्रश्न वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। हाँ विनय का डाउट था वो मैं सबको शेयर कर रहा हूँ। जो तुम्हारे चैट सेक्शन में एक मैसेज आया होगा। ये क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। पावर दिया हुआ है लेंथ विल बी 0.2। हां ठीक है और फोकल लेंथ विल बी 0.2 मीटर एंड द नेचर ऑफ इट विल बी कंटिन्यू। ओके ओके फाइन। हां विनय पावर दिया हुआ है प्लस 5 डायोप्टर। तो पावर का फार्मूला क्या होता है? 1/f और f किस में लेना होता है मुझे? मीटर। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? फोकल लेंथ इन मीटर इज इक्वल्स टू 1.5 That is 0.2 meter, या फिर 20 centimeter. सही है मैंने? Yes sir. Okay, what is the nature? What is the nature and focal length? Nature क्या होगा? Focal length positive आया. मतलब? Vertical and direct. Converging. Converging. इसका मतलब हमें क्या पता है? Converging length. Converging lens और tenth के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि convex भी बोल सकते हैं। ठीक है सही है प्रश्न। अच्छा next is focal length हो गया nature हो गया। At what distance from this lens should an object be placed to get inverted image of same size? Same size कहाँ पर मिलता है मुझे? Center पे sir, center पे। Center of curvature पे अगर हम लोग रखते हैं तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखता हूँ तो मुझे इमेज कहाँ बनता है? सी पे बनता है। साइड पे इनवर्टेड एंड सेम ऑन द सेंटर पर ही यहाँ पर इमेज बनता है। तो अगर हम लोग सी पे रखेंगे सी इज ट्वाइस ऑफ एफ दैट इज 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर पे हम लोग रखेंगे तो सेम साइज का इमेज बनेगा। सर अगर ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए तो हम लोग को ये फिगर बनाना पड़ेगा वहाँ। तुम डायरेक्टली तुम क्या बोलोगे कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? कार्तिकेय 2f कैसे? एक मिनट कार्तिकेय, ये हमें पता है ना कि अगर ऑब्जेक्ट को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखता हूँ ये लेंथ f होता है तो ये लेंथ ट्वाइस ऑफ f होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। हमें पता था ना f इक्वल टू r बाई 2 होता है। यस सर। तो क्या आ जाएगा? R इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f। या फिर अगर तुमको बोर्ड्स में पूछ रहा है और ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो तुम क्या करो? ज्यादा मतलब मान लो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है या 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो तुम डायरेक्टली इतना लिखोगे तो हाँ पूरा लगाना पड़ेगा। तो फिर क्या करो? सेम साइज लिखा हुआ है तो मैग्निफिकेशन इज एच आई बाई एच ओ और ये तुमको क्या दिया हुआ है? इन्वर्टेड इमेज तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? -1 दैट इज इक्वल टू -v/u। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? v इक्वल टू u। सही है? यस सर। मैग्निफिकेशन इज +v/u लेंस के लिए। सर इन लेंस फार्मूला मैग्निफिकेशन इज u/v। कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/v - 1/u = 1/f। तो v को हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? -u - 1/u = 1/f। तो -2/u = 1/f और दिस इंप्लाइज यू इक्वल टू -2f।
सही है कार्तिक है, और एफ मुझे पता चल चुका था 40 टू 20, तो एफ ये आ जाएगा 40। तो बोर्ड्स में ऐसे कर देना पूरा स्टेप बाय स्टेप। Sir, that minus sign will indicate that the object is placed at the left side of the lens. Huh. Okay. Kartik, हाँ figure बना दो यार, मतलब boards वाले में ना, जो भी तुम्हारा boards का exam हो रहा है, that is regarding कि तुम कितने अच्छे से explain कर सकते हो। तो जितना चीज तुमको पता है ना, जैसे मान लो definition पूछा, तो डिफिनेशन पूछा तुमने, डिफाइन तो किया, उसका एक एग्जांपल दे दो या उसका ऐसा यूनिट बता दो। तो मेरे लिए अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है तो एक फिगर बना दो साथ साथ। फिगर पूरा स्केल से अच्छे से नहीं बनाने की जरूरत है, रफ डायग्राम भी बनाओगे तो चलेगा। ओके, और किसी को कोई डाउट? नो सर। सर कंबाइंड फिगर कुछ होता है क्या सर रे डायग्राम का? तुमको मल्टीपल लेंस नहीं पढ़ना है सिलेबस में तुम्हारे, होता तो है। तो मल्टीपल लेंस नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि एक ऐसा कोई कंबाइंड रे डायग्राम होता है क्या जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में जैसे यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, उसके लेफ्ट साइड में सारे के सारे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बना दिए और राइट में सारे इमेज डिस्टेंस। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है, हमारे क्लास टीचर करवा रही थी स्केच पेन पेन। अगर ऐसा होता जैसे मान लो तो बस ये लेंस है, उसके बाद एक कॉनकेव लेंस है, फिर मिरर है, मान लो ऐसा रखा हुआ है, तब तुम इसका जब रे डायग्राम बनाओगे ना, ठीक है, रे डायग्राम इसका पढ़ेंगे बाद में यार, अभी टेंशन नहीं लेंगे सब पे। इट इज पॉसिबल टू मेक ए कॉनकेव लेंस फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस? यस, नहीं, कॉनकेव लेंस फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस नहीं सर, क्योंकि लेंस का पीछे नहीं। नहीं नहीं नहीं, अब तुम ऐसा बोल सकते हो कि यह कॉनकेव है, तुमने इसको स्मूथ करते करते इसको ऐसा कर दिया, मतलब यहाँ से घिस करके ऐसा कर दिया और इधर से घिस करके ऐसा कर दिया, तो फिर हो जाएगा यार कि कन्वेक्स। नहीं सर, बाय चेंजिंग इट्स डेंसिटी या कुछ करके। नहीं, कॉनकेव से कन्वेक्स तुम कन्वर्जिंग से डाइवर्जिंग बना सकते हो, डाइवर्जिंग से कन्वर्जिंग बना सकते हो, कॉनकेव से कन्वेक्स या कन्वेक्स से कॉनकेव नहीं बना सकते हो। सर कन्वेक्स या कॉनकेव से उसे एक प्लेन उसके तरह बना सकते हैं सर? नहीं, ये देखो, ये तुम्हारा कॉनवेक्स है, कॉनवेक्स बेसिकली इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, ठीक है, तुम इस स्ट्रक्चर को बिना चेंज किए कॉनवेक्स से कॉनकेव नहीं कर सकते हो। ये स्ट्रक्चर इज कॉनवेक्स और ये स्ट्रक्चर इज कॉनकेव। अब हो सकता है कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये कन्वर्जिंग है। अब हो सकता है तुम वो डेंसिटी चेंज करो, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हो सकता है कि ये डाइवर्जिंग जैसा बिहेव करे, बट ये कॉनकेव मिरर नहीं है। हाँ, लेकिन ये कॉनकेव नहीं है, इसको तुम कॉनकेव नहीं बोलोगे, ये कॉनवेक्स मिरर लेंस ही है। सर इसमें लिखना चाहिए था मैं बिहेव करना। हाँ, इट विल बिहेव एज कन्वर्जिंग या फिर इट विल बिहेव एज कॉनकेव लेंस, ठीक है। ओके सर, आप ये वाला वापस बता सकते हैं कैसे कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा? हाँ, देखो, ये वाला जो मिरर है सर, ये वाला जो लेंस है, ये कॉन्वेक्स है और कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग मतलब पैरेलल रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर रहा है। लेकिन अगर तुम यहाँ पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू वन है, इधर बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है, अगर म्यू टू बड़ा हुआ म्यू वन से, तो जो रेज आएगा ये डाइवर्ज करेगा। इस लेंस का नाम तुम क्या बोलोगे? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। अच्छा, ओके सर, ओके। कॉनकेव लेंस नहीं बोलोगे इसको, इसको बोलोगे इट विल बिहेव एज कॉनकेव लेंस बट इट इज नॉट कॉनकेव लेंस। ओके सर, ठीक है, किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। व्हाट इज प्लानो कन्वेक्स? आई यूज प्लानो कन्वेक्स ऐसा, एक सरफेस प्लेन, दूसरा कन्वेक्स। सर फिर इसका लाइक हम ये कैसे निकालेंगे, फोकल लेंथ और पावर लाइक
तुम्हारे सिलेबस में इसका फोकल लेंथ तुमको दिया होगा और बाकी सारा काम साथ में करना है. और जो मैं तुमको फॉर्मूला बताया था 1/f = μ - 1 / r1 - 1/r2 ये फॉर्मूला शायद तुम लोगों को बताया था. यस सर, लेंस मेकर्स फॉर्मूला. हां, तो इसका जो फोकल, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज इंफिनिटी. तो पुट कर दो, मान लो इसका म्यू 2 है तो 2 - 1 = 1/∞ - 1 / इसका r 20 मान लेते हैं तो 1/-20 ये वाला टर्म तो जीरो ही बन गया. निकल गया? यस सर. जो भी है अब आ जाएगा. ओके सर. ओके ठीक है, चलो फिर बाय बाय. थैंक यू सर. बाय बाय सर. बाय बाय.